I am very much sure that many of you have watched this particular video that I have played earlier. And if you want to create such kind of videos for your farewell, then I will help you out with that, because काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेज आए कि ऐसे टेम्पल ऐसे वीडियोज़ को मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, हाउ आई कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। सो आई थॉट के मैंने कमेंट करके काफ़ी सारे लोगों को बताया कि इस तरीके से मैंने इन सभी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके मैंने इस वीडियोज़ को बनाया, बट स्टिल काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं चल रहा था। तो फिर आई थॉट के इसके ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊँ और आप सभी को बताऊँ कि मैंने इस वीडियो को कैसे बनाया था एंड हाउ आई क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट स्लाइड शो ऑफ द 2 मिनट्स एंड एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर वीडियोज, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट आए थे। एंड गुड न्यूज इज आई विल गिव द प्रीसेट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। वेल, वो जो पर्टिकुलर टेम्पलेट जो लास्ट पार्ट है वीडियो का, जहाँ पे स्लाइड शो दिखती है, फोटो ऐसे घूमते रहते हैं, उस पार्ट को मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट किया है। सो यू हैव टू नो लिटिल बिट अमाउंट ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स, और जो कुछ भी नहीं आता तो भी चलेगा, सिर्फ आपके पास आफ्टर इफेक्ट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए अपने पीसी में, और सारे अच्छी कॉन्फ़िगरेशंस वाला पीसी होना चाहिए जो इसकी प्रोसेस को हैंडल कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि अपने फ़ोटो को कैसे रिप्लेस करना है उस प्रीसेट के टेम्पलेट से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। इट विल लुक लाइक दिस। जो मैंने टेम्पलेट आपको दिया है, अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वह इस तरह से दिखेगा, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा उस तरीके से वो आपको उस टेम्पलेट दिखेगा और ऐसे प्ले करेगा वो। यहाँ मैंने एक फोटो ऐड करके रखा था। आपको बस क्या करना है कि यहाँ पे जो प्रीसेट्स के लिए जो फोटोज़ दे रखे हैं, उस फोटोज़ को अपने फ़ोटो से रिप्लेस करना है, सिर्फ इतना काम करना है। बाकी आपका जो होगा वो आपका जो वीडियो होगा वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली नहीं बोलेंगे, पर हाँ वैसे क्रिएट हो जाएगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि फ़ोटो को रिप्लेस करना है इसके प्रीसेट्स के टेम्पलेट से। तो लेट्स एक्सपेरिमेंट विद दिस। दो दिन हम थोड़े बहुत फ़ोटोज़ को हम चेंज करके देख लेते हैं और कहाँ पे और कैसे थे, किस तरीके से फ़ोटोज़ को चेंज करना है। सो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि मैं इसको प्रोसेस कैसे करना है और इसको हैंडल भी कैसे करना है। अगर हम यहाँ पे इस टेम्पलेट को देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखेगी। इन सभी चीज़ों को हमें छेड़ना नहीं है, जो है जैसा का जैसा वैसे का वैसा ही रहने देना है। ट्रांजिशन में ट्रांजिशन में कुछ नहीं करना है, ट्रांजिशन पर ऐसा ही रखना है। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मेन टैब है जो 10 नंबर का है, इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे दिखा है कि फ़ोटोज़ नंबर 29, फ़ोटोज़ नंबर 28, 51, 52, टोटल अमाउंट ऑफ व्हाट आई विल से दैट 55 to 60 फ़ोटो है इसमें। 2 मिनट का लंबा वीडियो बनेगा इससे, इस प्रीसेट्स के टेम्पलेट से। सो लेट्स गेट दिस 29। अगर हमको टेम्पलेट 29 में चेंज करना है तो देखो यहाँ पे क्या था, मैंने ऑलरेडी एक फ़ोटो ऐड करके रखा है यहाँ पे, और दूसरा ट्राई करते हैं 28 नंबर का। तो यहाँ पे दिखाया गया डिलीट मी, डिलीट टू, डिलीट A3, इसको डिलीट कर देने का है, ठीक है। और फ्रेम को वैसे का वैसे ही रहने देना है वहाँ पे। फिर आपको जो फ़ोटो चाहिए उसको हमको क्या करना है, इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करेंगे अपने फाइल को, जिस फाइल को इम्पोर्ट करना है। मैं क्या कहूँगा कि आप जो है पहले अपने फाइल को, जिस चीज़ को, जो भी फ़ोटोज़ को आप ऐड करना चाहते हैं उसको पहले आप इंपोर्ट कर लें और एक जगह पे सही तरीके से उन सभी फ़ोटोज़ को रख दें। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा, जब मैंने इस वीडियो को फेयरवेल वाले वीडियोस को बनाया था, तब मैंने ऐसा किया था, उसका पर्टिकुलर का फेयरवेल का फोल्डर ही अलग से बना दिया था। फिर जो फ़ोटोज़ थे वो फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा भी यहाँ पर है, जैसे कि ये सभी फ़ोटोज़ हैं। हाँ ठीक है, चलो एक देखते हैं कि स्पोर्ट्स वाला फ़ोटो था, नहीं कहाँ पे गया, ग्रुप फोटो, वो ये भी चलेगा, ये एक ग्रुप फोटो ऐड कर देता हूँ मैं। तो इसको मैं लेके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। ओके राइट, सो हमने यहाँ पे इस इमेज को इंपोर्ट तो कर लिया है यहाँ पे, बट अब क्या करना है कि ये इमेज जो है वो हमें एडजस्ट नहीं हो रही, सभी लोग यहाँ पर नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये एरो जैसा बटन दिखेगा आपको यहाँ पे, वहाँ पे ट्रांसफॉर्म में स्केल का ऑप्शन दिखेगा आपको, आप वहाँ से अपने स्केल को, फोटोज़ के स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर
हाँ ये सही दिख रहा है, और यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। यू कैन एडजस्ट द हाइट फ्रॉम हियर, ओके सो दैट्स इट। अब देखते हैं कहीं पे आया या नहीं आया ये सा। देखो यहाँ पे जो वीडियो है वो आ रहा है, इसका जो फोटोज है वो वहाँ पे आएगा। ऐसे ही बाकी सारे जो फोटोज है उसको हमको चेंज करना है। और एक और वे भी है कि अगर हम यहाँ पे जो कुछ जी ये सभी फ़ोटोज़ है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे कौन से फ़ोटोज़ में आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पे चेंज क्लिक करें। अगर इस फ़ोटो को रिप्लेस करना है यहाँ पे नहीं रखना, और मेरे को कुछ दूसरे फ़ोटोज़ के यहाँ पे रखना है तो कैन ईजीली एडजस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब हम मेन में चले जाएंगे। ये फ़ोटोज़ चेंज हो गए अपने आप में। अगर मेरे को इस वन में चेंज करना है, ओके सो आई विल डिलीट दिस फर्स्ट। डन, अब हम मेन में चले जाएंगे फिर इसे 9 नंबर पे। तो फिर यहाँ पे से फ्रेम को रखेंगे और जो दूसरा फोटो चाहिए उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और अपने हिसाब से उसको जो स्केल करना है यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे। एडजस्टमेंट, ओके डन, आ गए यहाँ पे फोटो। यहाँ पे आ गए फोटोज। हाँ ठीक है, ऐसे ही आप अपने वीडियोस को बना सकते हैं और इसको प्ले करेंगे तो ऐसा दिखेगा। और जब ये वीडियो फुल एंड फाइनली बन जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं रेंडर क्यूब, और यहाँ से रेंडर हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी सारा टाइम लेगा इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए, डिपेंड ऑन आपके पीसी का कॉन्फ़िगरेशन कितना है। And if you want to know more about video editing, so then you can subscribe to this particular channel, because I'm planning to make more such kind of videos to this particular channel. And also मेरे दूसरी चैनल है जहाँ पे मैं summaries और book reviews के related videos बनाता हूँ, जिसका नाम है Radical Readers, जिसकी link आपको यहाँ पे मिल जाएगी description में, और यहाँ पे कहीं आई बटन पे दिख जाएगी आपको। आपको books related content में भी interest है तो फिर आप वहाँ पे जाके उस book summaries को देख सकते हैं, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दैट पर्टिकुलर चैनल इफ यू लाइक कंटेंट। ओके सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट।